हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल डीआरडी। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लैप्रोस्कोपिक नीडल होल्डर। तो आज मेरे पास थ्री टाइप के नीडल होल्डर है। लुक एट दिस, दिस वन टू एंड थ्री, दिस इज सेम। ये दोनों एक जैसे हैं, बस ओनली राइट एंड लेफ्ट हैंड का है। ये राइट हैंड का है और ये लेफ्ट हैंड का है। राइट और लेफ्ट में क्या अंतर है कि देखो, ये कर्व इस तरफ है तो ये आपको राइट हैंड का हो गया। अगर कर्व इस तरफ होता एंगल तो ये लेफ्ट हैंड का होगा। तो मेरे पास तीन प्रकार के नीडल होल्डर हैं। ये एस्कुलेप कंपनी का है, देखिए जी। शायद यहाँ पे आपको नाम नहीं दिख पाए क्योंकि ओनली ब्राइटनेस। देखिए एस्कुलेप कंपनी का है। फिर दूसरा मेरे पास ये भी राठौड़ सर्जिकल है, ये दोनों, और ये भी राठौड़ सर्जिकल है। ये नॉर्मल है, ये गोल्डन टाइप है जो ज़्यादा चलता है। ये लॉन्ग लाइफ है, ये मीडियम इसकी लाइफ रहती है। ओके, आपको बैचिंग मिल जाएगा राठौड़ सर्जिकल मेड इन इंडिया। और ये लोकल है, जिस पर कुछ भी बैचिंग आपको नहीं मिलती। तो ये दोनों एक साथ पेयर होते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। ये एस्कुलेप सेम, इसका लॉकिंग अनलॉकिंग से रहता है। ये लॉक हो गया, लुक एट दिस। और अनलॉक करने के लिए सेम बट इसमें क्या रहता है, आप लॉक किया, ओके, और लॉक। इसमें फर्क कितना है कि इसमें आपको वन बाय वन लॉकिंग मिलती है। देखिए वन नॉर्मल लॉकिंग, टू उससे ज़्यादा, थ्री उससे ज़्यादा, एंड फोर। इसमें चार बार मिलती है, वन टू थ्री एंड फोर। इसमें क्या है, एक ही बार ग्रिप मिलती है, वन। तो इसका चांसेस रहता है खुलने का। तो नीडल रोटेट होने में या नीडल ग्रिप करने में थोड़ा कम टाइम लेता है, बट दिस वन इज वेरी यूजफुल। तो इसमें आपको जोर नहीं लगाना, ज़्यादा ग्रिप करने की जरूरत नहीं। इसको लॉक कर दो और नीडल अपने आप होल्ड हो जाती है। बट इसके मुताबिक ये ज़्यादा कॉस्टली है और ये नॉर्मल कॉस्टली है। इसकी रेंज करीबन आपको मिल जाएगी सस्ते में, क्योंकि मैं रेंज नहीं बता सकता आपको कि इसकी क्या प्राइस रहेगी। ओके,